वेलकम मैजिक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। क्लरिकल एग्जाम में 15 क्वेश्चंस और इन जनरल 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं। सिंप्लीफिकेशन बनाने का अलग ही तरीका होता है, वो बेसिक्स जो मैं बार बार बताता आ रहा हूं, देखते साथ आंसर ना हो जाए अधिकतर क्वेश्चन में, या हल्का सा पेन चलाना पड़े। मैं दोनों तरह से बात करूंगा, एग्जाम में कैसे बनाना है वो, और फिर थोड़ा एलोबरेट करके ताकि न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आए। आइए देखते हैं बेस्ट अप्रोच। बैंकिंग एग्जाम एक अलग ही तरह का ऑब्जेक्टिव अप्रोच खोजता है। दरअसल कम समय में आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, ऑब्जेक्टिव वे से उसका एप्लीकेशन आपको आता है, तो विद इन गिवन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने इसको एंजॉय किया है, उस ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाया है जिसने उनको वहां तक पहुंचाया। दरअसल वीडियोस के रूप में जो कॉन्सेप्ट है वो सामने है, और उसमें लगातार आपको क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है जिनको सॉल्व भी होना चाहिए और प्रैक्टिस सेशन भी होना चाहिए। amarsir.in पर यही फैसिलिटी अवेलेबल है, वीडियोस, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस, और इसके साथ साथ पीडीएफ शॉर्ट प्रैक्टिस, और उसमें लगातार परिवर्तन यानी पढ़ाने का एक नया तरीका। आइए amarsir.in पर आप सबों का स्वागत है, और इस नए सिस्टम का आप लाभ उठाएं, ए न्यू वे ऑफ लर्निंग ऑन amarsir.in। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए और एक मैप बनाइए। सॉल्व करेंगे 95% ऑफ 640, यानी करेंगे 640 में 32 लेस कर दें तो ये 608 ना हो जाए, ये 475 ना हो जाए, और 900 प्लस व्हाट ये स्वरूप ना हो जाए। 900 को 6 एंड 3 9 कहेंगे, क्या 183 आंसर ना होगा। 183 से द आंसर कैसे किया गया देखिए, 475 प्लस हमने इसे लिख दिया 95% ऑफ 640 इज इक्वल टू 500 प्लस व्हाट। 100% को क्या कहते हैं, 640 कहते हैं, और 5% को क्या कहेंगे, 32 ना कहेंगे, लेस कर दें तो ये 95% ना होगा, ये 608 ना होगा। सो सी 183 इज द आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 0.4 क्यूब 7 प्लस 3 10 8 2 आंसर। ऐसे बताता हूं कैसे। दरअसल ये 0.4 का क्यूब है, ये 0.4 का पावर 7 है, ये 0.40 एक ही बात है का पावर क्या है, और ये 0.4 टू द पावर 8 है, तो क्या 3 प्लस 7 इज इक्वल टू व्हाट प्लस 8 ना हो, यानी व्हाट का मतलब 2 ना हो। बताता हूं कैसे, 2 मतलब बी आंसर। देखिए ऐसा होता है कि 0.064 को हम 0.4 × 0.4 × 0.4 यानी 0.4 का पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से 0.0256 को हम लोग 0.4 × 0.4 16 × 0.4 × 0.4 लिख सकते हैं।
यानी कि 0.4 टू द पावर 4 और ऊपर पावर 2 है तो 8 हो गया। बोलिए समझ में आया? ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर, हम लोग होल नंबर का अलग हिसाब करते हैं, डेसिमल के बाद के पार्ट का अलग, यानी हमें जो दिखता है वो 534 प्लस 61 माइनस 496 इज इक्वल टू व्हाट प्लस 27, एक ये दिखता है, और दूसरा 0.596 इस साइड है प्लस 0.472 माइनस 0.708 इज इक्वल टू 0.271 दिखता है। हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, ये तो माइनस होगा ना, 4 इसे दे देंगे तो 523 होगा, यानी ये यहां आने पर 523 होगा ये दोनों पार्ट, और इस 523 को यहां से लेस कर दें तो क्या 11 न बच जाए, तो 11 प्लस 61 क्या 72 ना होगा, ऊपर का पार्ट। नीचे हमें दिखता है जो ढांचा है ये 271 को काट दें तो 201 न बच जाए। बोलिए बोलिए ये होगा कि नहीं, ये यहां के लेस हो गए। अब ये 700 है 10 डेसिमल के बाद तो 5 और 2 7 कट ना जाए, 97 में 8 घटाना डेसिमल के बाद, यानी 100 में अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं तो डायरेक्ट घटा दीजिए, चलिए डायरेक्ट ही घटा देते हैं, छोटा नंबर है, कहने का मतलब ये ऐसे है, तो क्या ये 0.89 ना होगा, एक और जीरो, एक और जीरो, या तो 0.89 ना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 72 प्लस 0.089 तो क्या 72.089 आंसर ना होगा। बोलिए 72.089 सी इज द आंसर। देखिए ऐसे समझ में आ रहा है, इसके बाद आगे अगला सवाल। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर बनाने का जहां तक सवाल है, 16 into 12, 16 into 10, 160 plus 32, क्या हम इसे 192 न लिखेंगे? जल्दी बोलिए, इससे 3 टाइम्स 63 एंड 2 टाइम्स 32 न लिखेंगे इज इक्वल टू व्हाट माइनस 211 न लिखेंगे? देखिए सबसे पहले ये दिखता है, उसको लिख दूंगा मैं कि होता कैसे है, इसको इसको सॉल्व कर लें तो 160 हो जाए और ऐड हो करके क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 371 ना हो जाए, 371 मतलब नन ऑफ दीस, बी अलर्ट 371 नहीं है, ई नंबर नन ऑफ दीज आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अलर्ट होने की जरूरत है। कैसे किया गया वो देखिए, 16 इंटू 10 किया गया 160 और 16 इंटू 2 किया गया 32, सो दैट कि 192 हुआ। देखिए क्वेश्चन में 16 इंटू 12 था माइनस 672 डिवाइड बाय 21 है इक्वल टू व्हाट माइनस 211 है, इससे 3 टाइम्स 63 और 2 टाइम्स 42 होता है, क्यों ना करें? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का जो नेचर है 5499 4 रूट 5 कैंसल
ना इज आंसर। अगर चीजें दिखती हैं तो बस पलक झपकते आंसर होता है। बताता हूं कैसे। ये जो रूट फाइव है माइनस टू का होल स्क्वायर है, इसके कैलकुलेशन का बड़ा भाग मन में हो जाता है। आप जानते हैं ये ए स्क्वायर है यानी फाइव है, माइनस टू ए बी है प्लस बी स्क्वायर है इज इक्वल टू व्हाट माइनस, अंदर में क्या लिख सकते हैं देखिए 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 ये क्या है, ये लिख सकते हैं आप 16 इंटू फाइव यानी 4 बाहर आ जाएगा। ये क्या हुआ 5 माइनस 4 रूट 5 और ये प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 4 रूट 5, ये कैंसिल ना हो जाए तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9 ना हो जाए। ये देखते सात आंसर होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या करें बताइए। सिक्स नंबर मैं कहता हूं बोलिए 400% 144 एंड 2% 7.2, क्या इसे हम 151.2 ना बोलें। बताता हूं कैसे। इसे कहूं 28% ऑफ 700 यानी ऐसे देखिए 36% ऑफ 420 था ना, माइनस 56% ऑफ 350 है ना, 50% ले लें तो 175 हो जाए। यहां लिखता हूं 175 हो जाए ऐसे, फिर दिखा दूंगा। और 6% ऑफ 350 मतलब कि 3% ऑफ 700 21 हो जाए, ये माइनस 196 ना हो जाए, माइनस 196 ना हो जाए इज इक्वल टू व्हाट माइनस 94 है। ठीक है यानी इज इक्वल टू व्हाट माइनस 94 है। मन क्या करता है 94 को यहां से उड़ा देते हैं, 102 बचेगा और 102 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा 49.2। दिखाता हूं कैसे 49.2 बी इज द आंसर। देखिए इसे क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं 400% मतलब 4 टाइम्स होता है ऑफ 36 और फिर बोलते हैं 20% ऑफ 36, तो ये क्या होगा 144 डबल का डबल और ये क्या होगा 36 का डबल 7.2, इसी को हमने लिखा 151.2। और ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमने लिखा 50% ऑफ 350 और प्लस 6% ऑफ 350 जो था इसे हमने कहा 3% ऑफ 700 तो 21 ना हो जाए, ये 175 ना हो जाए, ये 21 ना हो जाए। यही मैथ था क्वेश्चन का। बोलिए ये समझ में आया। इसके बाद जो सेवंथ नंबर क्वेश्चन है लास्ट, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ ऐसा बोलते हैं 7/5 है 15%, 15 से 5 टाइम्स कटा 70% बोलेंगे यानी बताता हूं कैसे 70% बोलेंगे यानी कि 54 इंटू 7 बोलेंगे 350 प्लस 28 यानी 378 ना होगा, 378 ए नंबर आंसर ना होगा। ऐसे कैसे होगा दिखाता हूं। ये 2/3 है ऑफ 7/5 है ऑफ 75% है ऑफ 540 है इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग बोलते हैं ऐसे 2/3 है, हम लोग बोलते हैं 15 से 5 टाइम्स तो क्या है 70% ना होगा ऑफ 540, और बोलते हैं 10% इतना होता है तो 54 इंटू 7 और उसके बाद चीजें ऐसे जाती हैं जैसे नीचे किया गया। ठीक है मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। आपकी पढ़ाई, आपका जो डायरेक्शन है पढ़ने का, आपका जो उत्साह है, ये सब आगे बढ़ेगा इसका मुझे पूरा विश्वास है। ऑल द बेस्ट।